दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइक्लोफेनिक के बारे में है। नया टॉपिक है, नई जानकारी मिलेगी कुछ इसमें। मैं आपको डाइक्लोफेनिक पोटेशियम और सोडियम के जो डिफरेंस होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, डाइक्लोफेनिक एक ऐसी ड्रग है जिसका हमने कभी ना कभी यूज किया है और यूज आगे भी कर सकते हैं या करना पड़ सकता है, तो इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो डाइक्लोफेनिक के बारे में। सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में जानेंगे। डाइक्लोफेनिक एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसको NSAID क्लास की ड्रग भी बोलते हैं। इसका जो बहुत ज़्यादा जो यूज है वो गर्दन दर्द में, पीठ के दर्द में, पेट के दर्द में, घुटनों के दर्द में, जॉइंट में कहीं दर्द हो रहा है उसमें, माइग्रेन में, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से अगर हम दर्द हो रहा है उसमें यूज करते हैं। स्पोंडोलाइटिस एक डिजीज है उसमें यूज करते हैं। किडनी की स्टोन की वजह से अगर दर्द हो रहा है तब भी डाइक्लोफेनिक का यूज करते हैं। पित्त की पथरी की वजह से अगर पेट में दर्द है उसमें यूज करते हैं। मांसपेशियों की जकड़न की वजह से अगर दर्द हो रहा है तब भी डाइक्लोफेनिक का यूज कर सकते हैं। अब डाइक्लोफेनिक टेबलेट, इंजेक्शन और जेल फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले हम इसकी टेबलेट फॉर्म की बात करें तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे वोल्ट्रान है, वोवेरान है, डाइक्लोपिड है, डाइक्लोफेन है और रिएक्टिन है। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अब इंजेक्शन फॉर्म की बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है मार्केट में वो आर्टिफेन है, डाइनापार है और वोवेरान है, जो बहुत ही अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है बहुत ही इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जो पेन सहन करने लायक नहीं है तब इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये जेल फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसकी जो जेल फॉर्म के जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो वोल्ट्रान है, वोवेरान है और डाइक्लोफेनिक जेल के नाम से ये मार्केट में आपको मिल जाती है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे स्किन की इरिटेशन हो जाती है, स्किन का रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो सकती है, ड्रोविनेस हो सकता है, ड्राइनेस आ सकती है, स्किन में स्वेलिंग हो सकती है, हमारा जो पेट है वो अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। और ओवरडोज लेने से इस कान में घंटियां जैसी सुनाई देती है, जिसको टिनिटिस बोलते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसकी जब भी डोज लें तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही डोज का यूज करें। अब ये जान लेते हैं इनको जो डाइक्लोफेनिक है वो किस किस को यूज नहीं करना चाहिए। एक तो जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको इस ड्रग का यूज नहीं करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों की BP हाई है या जिनके पेट में अल्सर है या पेट में कोई घाव हो गया है उनको भी इस ड्रग का यूज़ नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।